पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद होता है रिश्तों का कत्ल। ये कत्ल उस शख्स की पिशाचों जैसी मानसिकता को दिखाता है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक महिला 6 महीने की गर्भवती थी और आरोपी अपनी ही पत्नी और बेटी की लाश को छोड़कर वारदात से फरार हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि हत्या महिला के पति ने ही की है, लेकिन पुलिस का शक उसी पर है क्योंकि ऐसी वारदात के बाद वो मौके से गायब है। नेशदावड़ा ने इसकी हत्या कर दिया, साथ में एक 3 या 4 साल की लड़की भी है, उसकी भी गला दबाकर मां दी दिल की हत्या कर दिया। और ये जो तुम्हारी लालू मेरे पापा से कहने लगे थी, जो आपकी बेटी थी रुबीना या साक्षी, ये गर्भवती भी थी साथ मां, तो हम वहां से चल दिए। ये वारदात के बारे में सुनने के बाद हम वहां से चल दिए, तो हम तकरीबन 10:30 या 11 बजे करीब रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना में पहुँच गए। तो हमने पुलिस की सहायता से सुबह जहां पर इसने वारदात को अंजाम दिया था वहां पर पहुंच गए। बता दें कि करनाल जिला निवासी दिनेश और साक्षी ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। पिछले काफी समय से दिनेश पत्नी और 4 साल की बेटी अवनी के साथ रेवाड़ी शहर के कृष्णनगर में किराए पर रह रहा था। पड़ोस में ही रहने वाले किराएदार की बेटी अवनी के पास उनके घर में खेलने के लिए गई थी। वहां घर में साक्षी और अवनी दोनों बेसुध पड़ी थी। बच्ची ने वापस घर आकर अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद पड़ोसी कमरे में पहुंचे और साक्षी और उसकी बेटी अवनी दोनों मृत मिले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और दिनेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। आरोपी इस रुबीना, ये साक्षी है, इसका पति है, वो फरार है। कारण जी? कारण तो जो वारसान ये बता रहे हैं कि भाई लड़की कई बार फ़ोन करती थी भाई मेरे को तंग परेशान करता है, और ईद वाले दिन भी ईद की वो पूछी है भाई दाद को मैं लड़की रोने लगी और उसने अपनी जगह नहीं बताई मैं कहाँ रह रही हूँ। इसके दोनों के गले पे निशान है, काले निशान है, नीले काले गर्दन पे। गर्भवती थी महिला? हाँ, जो उसने गर्दन दबा के इसको मारा है दोनों को। महिला गर्भवती भी थी? महिला गर्भवती है, शायद इसके 5-6 महीने का बच्चा है वो गर्भवती। पुलिस को शक है कि दिनेश ने ही दोनों की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला गर्भवती थी और आरोपी पति की तलाश की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मौत के असल कारणों से पर्दा उठ पाएगा। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।